Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book. So here I welcome you all to our lecture number 14 of the series Play with Graphs. We are in the phase 2 of the series Play with Graphs where we are dealing with piecewise functions. अब तक हमने piecewise functions में modulus function कर लिया है, उसके बाद हमने greatest integer function कर लिया, ऐसे important functions तो हमने कर लिए हैं. राइट, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देखने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ओके, तो पीसवाइज फंक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. जैसे सिग्नम ऑफ एक्स भी हमने देखा था, मॉड्यूलस ऑफ एक्स देखा था, जीआईएफ देखा था, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम देख चुके हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन जो है इसका प्रयोग कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं ऐसे मैथमेटिकल वीडियोस प्रोवाइड करता जाऊँ. एंड कोई भी वीडियो देखने के बाद देखो नीचे ये लाइक वाला बटन होता है, इसे ज़रूर प्रेस करना ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया, और नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही. ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया है. प्लेलिस्ट में जाके अपने चैप्टर का नाम ढूंढिए, उसके अंदर अपने वीडियोस देखिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है और कुछ आपको सॉल्यूशंस चाहिए, कुछ डाउट्स हैं आपके, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लेक्चर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर x. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है. सपोज एक नंबर 2.3 है, ये दो चीज़ों से बना है, ये एक तो 2 से बना है और एक 0.3 से बना है. तो 2 अपना इंटीजर हो गया, इंटीग्रल पार्ट, और ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया. ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया. तो कोई भी x जो होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज i प्लस f. तो I होता है इंटीग्रल पार्ट एंड F होता है फ्रैक्शनल पार्ट. तो बेसिकली इंटीग्रल पार्ट तो अपना हो गया है पढ़ के. इंटीग्रल पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? GIF ऑफ X. और अभी फ्रैक्शनल पार्ट को भी कुछ डिनोट करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं. सो एनी नंबर X कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड वन इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, राइट? ओके, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अपना डेफिनेशन क्या बनने वाला है? इट विल बी जस्ट x माइनस जी आई एफ ऑफ x. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन आपको दे दिया है. अभी देखिए यहाँ पे ये जो जी आई एफ एक्स है, ये तो पीस वाइज फंक्शन है, हमने लेक्चर नंबर 13 में देख चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्ले विद ग्राफ्स की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, आप जाके पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख के आइए, ठीक है? तो अगर जी आई एफ एक्स एक पीस वाइज फंक्शन है, सो डेफिनेटली फ्रैक्शनल पार्ट भी एक पीस वाइज फंक्शन रहेगा. तो इसको भी मैं पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूँ ताकि आप समझें. पहले तो मैं पॉजिटिव पार्ट वाला चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम धीरे धीरे नेगेटिव पार्ट वाला चीज़ भी देखेंगे, उसके बदले में आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है जी आई एफ ऑफ एक्स. तो जी आई एफ ऑफ एक्स का आंसर जो होता है अपना, वो बड़ी ही आसानी से आ जाता है बॉस. कैसे आ जाता है? इट इज़ नथिंग बट ज़ीरो इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 0 to 1, एंड इट इज़ 1 इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 1 to 2, एंड इट इज़ 2 इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 2 to 3. ये हम प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल देख चुके हैं. अब मैं थोड़ा इसके साथ खेलना चाहूँगा, देखिए कैसे खेलने वाला हूँ. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को भी मैं सेम ब्रेक करने वाला हूँ. क्यों? बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स. तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स माइनस ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो मैंने जी आई एफ ऑफ एक्स के लिए लिखा है, बिकॉज अगर मेरा 0 to 1 के बीच में नंबर है तो, और उसे मैं लिखूँगा एक्स माइनस वन. देखो ये भी जो 1 मैंने लिखा है ये जी आई एफ ऑफ एक्स के लिए लिखा है, अगर मेरा नंबर 1 से 2 के बीच में हो तो, राइट? और इसी को मैं एक्स माइनस टू लिखूँगा, अगर मेरा नंबर
टू से थ्री के बीच में है तो. सो ये वाला जो है GIF का पार्ट, ये यहाँ से मैंने लिया है. सो बेसिकली आई एम जस्ट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ GIF ऑफ x, बिकॉज अपनी फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या है, x माइनस GIF ऑफ x. वही चीज़ मैंने की है, x माइनस GIF ऑफ x. तो 0 से 1 के बीच में GIF 0 है, 1 से 2 के बीच में 1 है और 2 से 3 के बीच में 2 है. तो 0 से 1 के बीच में आपको बेसिकली ग्राफ कौन सा बनाना है, x का ही बनाना है. और x का ग्राफ हम लेक्चर नंबर 1 में सीखे हैं, प्ले विद ग्राफ्स की प्लेलिस्ट में. ओके. और 1 से 2 के बीच में आपको क्या बनाना है, x माइनस 1 का ग्राफ. और 2 से 3 के बीच में आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, x माइनस 2 का ग्राफ. ये तो बड़ा ही आसान हो गया. ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. और अगर आपको नेगेटिव पार्ट्स भी देखने हैं तो वो पार्ट्स आप कैसे देख सकते हैं, वो देखते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ही 3 पार्ट्स ले लेता हूँ ताकि आप डिटेल में समझ पाए. ठीक है, तो GIFx पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपका नंबर जो है, सपोज ये माइनस 3 से लेके माइनस 2 के बीच में है, तो आपका आंसर माइनस 3 आना है, ये हम देख चुके हैं. अगर आपका नंबर माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक है तो आपका आंसर कितना आना है, माइनस 2 ही आना है. अगर आपका नंबर माइनस 1 से लेके 0 तक है तो आपका आंसर माइनस 1 आना है. याद कीजिए लेक्चर नंबर 13 की बातें. अगर आपका नंबर माइनस 1 और 0 के बीच में होता है तो आपका GIF माइनस 1 आता है. अभी देखो मैं कितना सिंपली इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा. याद करना, फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस GIF ऑफ x. मैं सेम चीज़ें नीचे कॉपी कर रहा हूँ, माइनस 3 से लेके माइनस 2 रहेगा तो x माइनस GIF ऑफ x. बट GIF खुद ही माइनस 3 है तो माइनस माइनस क्या आएगा बॉस, ये आ जाएगा प्लस 3. राइट, तो इसका मतलब माइनस 3 से लेके माइनस 2 के बीच में ये x प्लस 3 आता है. सिमिलरली माइनस 2 से लेके अगर माइनस 1 है तो GIF माइनस 2 आता है. सो माइनस ऑफ माइनस 2 आ जाएगा प्लस 2. सो ये आएगा माइनस 2 से लेके माइनस 1 तक. और फिर अंत में माइनस 1 से लेके अगर 0 तक आपको समझना है तो x माइनस माइनस GIF ऑफ x करेंगे तो GIF ऑफ x तो माइनस 1 है, दो बार माइनस आ जाएगा. देखिए यहाँ पे अगर समझा नहीं है तो x माइनस माइनस 1, बिकॉज इसका GIF माइनस 1 है. तो ये तो आ रहा है x प्लस 1, तो ये आ गया x प्लस 1. तो इस तरह से ये पीस वाइज फंक्शन को मैंने बहुत अच्छी तरह से स्प्लिट कर दिया है. 0 से 1 में x, 1 से 2 में x माइनस 1, 2 से 3 में x माइनस 2, और फिर नेगेटिव पार्ट्स को भी मैंने स्प्लिट कर दिया है. माइनस 3 से माइनस 2 में x प्लस 3, माइनस 2 से माइनस 1 में x प्लस 2, एंड माइनस 1 से 0 में x प्लस 1. यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लेफ्ट वाला पार्ट ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है. बहुत ही आसान है, आपको खाली लेफ्ट वाला पार्ट x में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पे भी देखो, x माइनस माइनस 3, x माइनस माइनस 2, x माइनस माइनस 1, इस तरह से अपना आंसर आ गया है. अभी और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है. देखो x का डेरिवेटिव 1, अगेन इसका भी डेरिवेटिव 1, अगेन इसका भी डेरिवेटिव 1, अगेन इसका भी डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका भी डेरिवेटिव 1, इसका भी डेरिवेटिव 1. तो इसका मतलब ये सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है और इनका जो थीटा है, बिकॉज इनका स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. इसका मतलब इसका टैन थीटा 1 आ रहा है, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री आ रहा है. मतलब ये जो सारी आपकी लाइंस बनने वाली है, ये लाइंस कैसे बनने वाली है बॉस, ये लाइंस बनने वाली है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के इंक्लिनेशन में. तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेट बना लेते हैं. मेरे को चाहिए ब्लू कलर. ठीक है, तो ये मैंने ले लिया मेरा ब्लू कलर. ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पे लेट अस से ये ऐसे, ये बना दिया वाई एक्सिस. बहुत ही अच्छा बना है वाई एक्सिस. अभी मैं यहाँ पे नंबर्स आपके कर देता हूँ प्लॉट विथ अ ब्लैक कलर. ठीक है, ब्लैक कलर से बनाएंगे हम. 0 और ये बना 1 और ये बना 2
और ये बना 3, यहाँ पे बना ये -1, यहाँ पे बना ये -2 और ये इसको थोड़ा बड़ा देता हूँ, यहाँ पे बना ये -3, बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है। और ये ऊपर मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी समझो जब x तुम्हारा 0 से लेके 1 के बीच में है, तो यहाँ पे मैं है ना एक येल्लो से दिखाता हूँ, देखो 0 से लेके 1 तक जब भी तुम्हारा x है तब तुम्हारा ग्राफ क्या आएगा देखते हैं। 0 से लेके 1 के बीच में ग्राफ तुम्हारा x है, तो 0 से लेके 1 के बीच में अगर तुम्हारा ग्राफ x है तो मैं ले रहा हूँ रेड कलर, बड़ा मज़ा आएगा, रेड कलर से बनाएंगे ग्राफ। तो 0 से लेके 1 के बीच में ये अपने को ऐसे 45 डिग्री पे मस्त लाइन बनानी है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, बिकॉज उसका थीटा 45 है और लाइन आप बनाते जाओ। अभी आप समझो कि 1 इज नॉट इंक्लूडेड, समझ रहे हो बात को, 1 जो कि है वो इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर 1 इंक्लूडेड होता तो y इज इक्वल टू x मतलब x 1 आता, बट वो फिलहाल नॉट इंक्लूडेड है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है ना एक मस्त सर्कल बनाना पड़ेगा बॉस, बिकॉज वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, बिकॉज जब भी आपका x 1 होता है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे होता है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो बेसिकली जब x इज इक्वल टू 1 रहेगा तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, तो ये जो पॉइंट मैंने अभी प्लॉट किया है ये पॉइंट आपका आंसर रहेगा, ये पॉइंट रहेगा आपका आंसर। तो चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इन डिटेल। देखो जब 1 से लेके 2 के बीच में है तो ग्राफ x माइनस 1 है, अभी x माइनस 1 है तो आप x का वैल्यू 1 डालो, 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 आ रहा है 0, इसका मतलब 1 पे तो ग्राफ 0 ही है। और आगे का कहानी तो बड़ा ही आसान है, आगे का कहानी क्यों आसान है, बिकॉज वो ऐसे जाएगा 45 डिग्री का लाइन, और फिर हमें तो समझ ही गया है कि 2 पे सर्कल आएगा, बिकॉज 2 के फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कितना आएगा तो मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे 2 है वहाँ पे ये आएगा और 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0 आएगा अगेन। सो आप तो समझ ही करेंगे आगे भी सेम चीज़ रिपीट होना है, सेम चीज़ रिपीट होना है, 2 के बाद 3 तक भी सेम ही चीज़ रिपीट होना है, ये ऐसे आएगा। चाहिए तो मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ, देखिए 2 से लेके 3 के बीच में कितना था, x माइनस 2, फिर अगर आप और आगे बढ़ेंगे 3 से लेके 4 तो वो भी भाई साहब सेम ही आना है, ठीक है, ओके। तो अभी हमने देखा y के जो आंसर्स है वो 0 से लेके आगे आ रहे ऊपर तक 1 तक, बट 1 नहीं आ पा रहा बिकॉज 1 खुद एक इंटीजर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 रहेगा। अभी आएंगे हम बहुत ही विवादास्पद चीज़ पे जो कि है नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो -1 से 0 में आपका आंसर क्या है, x प्लस 1 है। तो पहली चीज़ मैं क्या करना चाहूँगा, आप -1 पे आंसर निकाल लो क्योंकि यहाँ पे -1 इंक्लूडेड है, -1 प्लस 1 कितना आ रहा है बॉस, 0 आ रहा है, इसका मतलब -1 पे आपको ये ऐसे बनाना है, 0 पे बनाना है, ठीक है। और उसका भी ग्राफ कैसे है बॉस, उसका भी ग्राफ x प्लस 1 है, x प्लस 1 मतलब कितना, स्लोप 1, स्लोप 1 मतलब कितना, टैन थीटा 1, टैन थीटा 1 मतलब कितना, थीटा 45। सो सेम लाइन बॉस आपको बनानी है, ये ऐसे यहाँ से जाके 1 तक जाएगी, बट 1 पे आंसर उसका 0 रहेगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ काम करती है, बिकॉज यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 प्लस 1 1 आएगा बट वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। -2 से -1 में भी बेटा सेम ही चीज़ है, x प्लस 2 है, तो जब आप -2 डालेंगे तो -2 प्लस 2 0 आएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा एंड बाकी कहानी अपनी सेम है, सेम इंक्लिनेशन बनाना है, फिर सर्कल बनाना है, सेम यहाँ पे -3 से आगे बढ़ना है। और ये एक से एक काम करते हैं, पहली चीज़ तो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, और ये वापस बना देता हूँ, ओके। तो ये ऐसे आया बॉस, तो ये देखो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट वाला ग्राफ बना। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो हमेशा, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ,
जीरो और वन के बीच में ही आती है, जीरो और वन के बीच में ही आती है, बट कभी भी वन नहीं आता, हमेशा जीरो और वन के बीच में आएगा। अभी आपको समझ गया रहेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट सच में फ्रैक्शन आ रहा है, उसका वाई का जो आंसर है वो हमेशा जीरो से ऊपर है बट हमेशा वन से नीचे है। इस तरह फ्रैक्शनल पार्ट आपका काम करता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, आप देखेंगे कि ये पीरियोडिक ग्राफ है। ये क्या है? पीरियोडिक ग्राफ है। और ये कितने डिस्टेंस के बाद खुद का शेप रिपीट कर रहा है? तो जीरो से वन। इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया? पीरियड हो गया वन। जो भी ग्राफ अपना शेप रिपीट करता है, ध्यान से सुनना, जो भी ग्राफ अपना शेप रिपीट करता है आफ्टर अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो इंटरवल ऑफ टाइम या फिर डिस्टेंस बोलूँगा मैं, यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, वो जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम पीरियड ऑफ द ग्राफ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वन डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, देखिए हमेशा वन डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया? वन हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। अभी तक हम किसी पीरियोडिक फंक्शन के अक्रॉस आए थे क्या? तो वो था, यस, GIF, अगर हम ध्यान से देखें तो वो था, बट उसका शेप ऊपर ऊपर जा रहा था, राइट? बट यहाँ पे देखो सेम शेप रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम GIFX को पीरियोडिक फंक्शन वैसे नहीं बोलेंगे, बिकॉज आंसर्स अलग अलग आते हैं ना ऊपर जाते जाते। जीरो से लेके वन में जीरो है, वन से लेके टू में वन है, राइट? तो वो आंसर्स अलग अलग आते हैं, यहाँ पे पूरा शेप अलॉन्ग विद दी आंसर्स कैसे हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे पीरियड के बाद हमें और क्या समझना है कि GIFX जैसे काम करता है वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी काम आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर सपोज मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4 पूछा, तो आप क्या करने वाले हैं? आप सिंपली उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, मतलब एक्स माइनस GIF ऑफ एक्स करेंगे। तो वो जैसे ही आप करते हैं, ये 2.4 माइनस 2 ही आएगा, बिकॉज GIF ऑफ 2.4 2 है, तो ये 0.4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? और एक ट्राई करते हैं 3.2 का। तो 3.2 में क्या करेंगे? 3.2 माइनस GIF ऑफ 3.2, तो ये आ जाएगा 3.2 माइनस 3, विच इज 0.2। ओके, अभी थोड़ी विवादास्पद चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। अगर सपोज आपको किसी ने -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं जो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, बट उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा, -1.2 माइनस GIF ऑफ -1.2। अगर आपने लेक्चर नंबर 13 देखा है ध्यान से, तो GIF ऑफ -1.2 आप बड़े ही आसानी से -2 बता देंगे। तो यह आ गया -2। सो -1.2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 2 माइनस 1.2, देखिए 0.8 आ रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो कभी नेगेटिव आना नहीं है, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में आंसर देता है, वही उसका रेंज है, राइट? डोमेन तो वो कुछ भी ले सकता है, बट रेंज अगर आप देखोगे तो रेंज कहाँ से है? तो रेंज हमेशा 0 से लेके 1 तक है। तो यहाँ पे मैं उसका रेंज भी लिख देता हूँ, रेंज कहाँ से है? 0 से लेके 1 है, हमेशा पॉजिटिव आंसर्स दे रहा है। और डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स है, डोमेन को भी लिख देता हूँ मैं ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम कुछ नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट्स निकालते हैं। सपोज आपको किसी ने पूछा -2.78 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे? -2.78 माइनस GIF ऑफ -2.78, अगेन दिस विल बी -2.78 माइनस माइनस ऑफ 3, सो दिस विल बी -2.78 माइनस माइनस इट विल बी प्लस, एंड 3 माइनस 2.78 इज जस्ट बट 0.22। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। ओके, सो अगेन प्रीवियस लेक्चर्स में मैं हमेशा आपको इवन ऑड ये फंक्शंस के बारे में बताता रहा हूँ, यहाँ पे वैसे ही कुछ चीज़ एक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? बट डेफिनेटली ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, बिकॉज ये कहीं पे भी आपको है ना सिमेट्रिकल या फिर रिफ्लेक्शन वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पे वैसा कुछ पार्ट दिख नहीं रहा, तो ये ना इवन है ना ऑड है,
ठीक है, बट ये ज़रूर पीरियोडिक है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ये वाला चीज़ है जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, मैंने क्या लिखा है बड़े ही ध्यान से देखना, जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं यह आपको समझना है। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 2.4 का जी आई एफ कितना आता है बॉस? 2 आता है। एंड माइनस 2.4 का जी आई एफ कितना आता है बॉस? ये आता है -3, राइट। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जी आई एफ ऑफ -2.4 को रिलेट करने वाला हूँ 2.4 के जी आई एफ के साथ, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ों के साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा पता है, जी आई एफ ऑफ 2.4। मुझे बताइए जी आई एफ ऑफ 2.4 क्या आता है? 2 आता है, बट इसका आंसर मुझे माइनस लाना है ना, तो पीछे माइनस डाल दूंगा एंड ये इसमें से और एक माइनस 1 कर दूंगा, बिकॉज नेगेटिव चीज़ों में क्या होता है, लेफ्ट साइड और एक बार नेगेटिव हो जाता है। तो इसका आंसर -2 -1, देखिए आ गया ना -3। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ, जी आई एफ ऑफ 3.5 आपका कितना आता है? तो ये वाला पार्ट आपका आता है 3, बट अगर किसी ने आपको जी आई एफ ऑफ -3.5 पूछ लिया तो आप क्या कीजिए, माइनस लिखिए, 3.5 का जी आई एफ लिखी है और आगे -1 लिखी है, तो माइनस ऑफ जी आई एफ ऑफ 3.5, 3 -1 और ये आ गया -4। तो ये मैंने कैसे किया, मुझे जी आई एफ ऑफ 2.4 पता है, उसमें उसको नेगेटिव करके और एक बार -1 आपको करना है, बिकॉज अगर आपको ग्राफ अच्छी तरह से याद है तो ये ऐसे ऐसे ऊपर जाता है और नेगेटिव साइड में ये गिरते जाता है, एक यूनिट से गिरता है, इसलिए उसको नेगेटिव करके हमें क्या करना होता है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या बताना चाहूँगा, सपोज आपके पास ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आप नेगेटिव का जी आई एफ निकाल रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव का ही जी आई एफ निकालना है, माइनस करके -1 करना है, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, राइट। अगर इसके बाद बढ़ के अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडा तो पता है, ये क्या आता है, एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा, तो एक्स की जगह आपको खाली -x डालना है, सो माइनस और ये अंदर आ जाएगा -x, सही है, एक्स की जगह मैंने -x डाला, सो ये आ गया -x। और ये जी आई एफ ऑफ -x का फॉर्मूला जस्ट हम सीखे, -GIF(x) और फिर -1, तो इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, -x प्लस GIF(x) माइनस -1, सो ये +1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, आप लिख दीजिए इसे -x प्लस GIF(x), इसको थोड़ा ओपन करते वक्त माइनस कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस GIF(x). तो ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, x माइनस GIF(x) बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते वक्त डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया अपना, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखिए, इसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 1 माइनस पॉजिटिव वाले का फ्रैक्शनल पार्ट। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो पीछे जाता हूँ मैं, पीछे मैंने ये देखिए ये निकाल के बताया है, अभी मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये निकाल के बताऊँगा। प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.78 को मैं कैसे लिखूँगा, 1 माइनस पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, बिकॉज पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट तो अभी तक आप ओरली बताना सीख गए रहेंगे, इंटीजर को उड़ा दो और जो बचता है वो लिख दो, तो 1 माइनस 0.78 कितना आ गया, 0.22, ये देखिए आपका डायरेक्टली आ गया। इसका मैं और थोड़ा डिटेल में एक दो एग्जांपल्स ले लेता हूँ, अगर आपको कोई माइनस ऑफ 3.52 पूछता है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस, राइट, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.52 करेंगे, बिकॉज अपना फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 1 माइनस पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, सो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.52 विच इज़ नथिंग बट 0.48। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप नेगेटिव लोगों का भी फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते
ठीक है, एक बार जाके ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट है अपने ग्राफ का, तो ये वाले जो है सारे, ये राइट साइड वो सारे पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और लेफ्ट साइड जो है वो सारे नेगेटिव वालों के फ्रैक्शनल पार्ट हैं। और इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन भी देख लिया है कि नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 1 माइनस पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरह से हमने आज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, जिसमें हमें ये पता चला कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और हर पीरियड में 45 डिग्री की लाइन बनने वाली है, और ये इसका इतना प्यारा ग्राफ बन रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक चीज़ करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए इस वीडियो के नीचे ये लाइक बटन है, इसे ज़रूर हिट कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन दबा के उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको दबाई है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया है तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 में। तब तक के लिए बाय बाय।